All right, friends, we are studying today very, very important topic, and the name of the topic is a financing decisions, capital structure. Financing decisions and capital structure. मैंने आपको first lecture में बताया था, अगर आपको याद हो कि I wanted to start my own classes, right? Own classes के लिए मुझे 50 lakhs rupees चाहिए, right? आपको मुझे option बताना है कि suppose या तो मैं अपने इक्विटी शेयर से इशू कर सकता हूं या फिर मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, डेब्ट, बराबर। अगर इक्विटी शेयर लूंगा तो व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाट इज द रिटर्न, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। डेब्ट अगर मैं लेता हूं तो व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाट इज द रिटर्न, रिस्क रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न। इक्विटी में देर इज नो रिस्क ऑफ रीपेमेंट, देर इज नो रिस्क ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट का कोई रिस्क नहीं रहता है, बराबर, ओके। ओनली व्हेन द कंपनी गोज टू लिक्विडेशन तभी आपको रीपेमेंट करना रहता है। दूसरा, डिविडेंड, कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे, चाहे तो नहीं, कोई देयर इज नो कमिटमेंट कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। आर यू फॉलोइंग ऑन आउट? एंड रिस्क क्या रहता है कि व्हाटएवर यू आर पेइंग, व्हाटएवर डिविडेंड यू आर पेइंग फ्रॉम एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी डिविडेंड हम लोग पे करते हैं वो हम कहां से पे करते हैं, फ्रॉम एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका जो कॉस्ट वाइज है वो काफी हाई हो जाता है। अगर हम डेब्ट में जाते हैं तो व्हाट इज द रिस्क, रिस्क ये है कि चाहे आपका बिजनेस चले या नहीं चले, आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करना पड़ेगा, बराबर। बट फायदा ये है कि व्हाट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग यू कैन क्लेम टैक्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट अमाउंट, यू कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट अमाउंट। आर यू गेटिंग ऑन आउट, फ्रेंड्स? अब कैसे हम लोग डिसीजंस लेंगे, हम डिसीजन लेंगे या तो हाईजेस्ट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर अगर हाईजेस्ट रहेगा तो उसके बेस पे, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, या तो हाईजेस्ट ईपीएस या हाईजेस्ट मार्केट प्राइस, ओके। अब इसमें भी दो तरह के रह सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका ऑलरेडी बिजनेस है और आपको पैसे की जरूरत है, या फिर आप न्यू बिजनेस में हैं और आपको पैसे की जरूरत है। दोनों टाइप के क्वेश्चंस में आपको करा देता हूं। रही बात इनकम स्टेटमेंट की, वो आपको ध्यान रखना ही है। पहला आपका सेल्स, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए, आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, आपको क्या आएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करिए, आपको क्या आएगा, ईबीटी, ईबीटी में आप टैक्स माइनस करिए, आपको क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करिए और ये आपको जो बचेगा, दिस इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स और आपको आएगा ईपीएस, आपको क्या आएगा, ईपीएस। हाईजेस्ट ईपीएस अगर ऑप्शंस में रहेगा तो आपको याद रखना है। मैं आपको क्वेश्चंस लेता हूं तो आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 5.25, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 5.25, ओके। आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम्स में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीक्वेंस आप मेरा फॉलो करिए। गणपति लिमिटेड इज कंसीडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान्स, द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है रुपीज से 2 लाख रुपीज, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन को समझने के लिए आप गिवन करके लिख लीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है एंड आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप 100% इक्विटी में जाइए, दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप डेब्ट एंड इक्विटी में जाइए, 50% डेब्ट है एंड 50% इक्विटी है, और तीसरा है आपका 50% आपका प्रेफरेंस इक्विटी रहेगा और 50% आपका प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा। प्लान्स फॉर फाइनेंसिंग 100% इक्विटी, सेकेंड में 50% इक्विटी और 50% डेब्ट, तीसरे में 50% इक्विटी एंड 50% प्रेफरेंस शेयर।
द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, जो आपका डेप्ट है उसका कॉस्ट है 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसका कॉस्ट है 8%, टैक्स रेट है आपका 50%, टैक्स रेट आपका 50% एंड टैक्स रेट आपका 50% है। इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 रुपीज है, प्रीमियम 10 है, इसका मतलब एक शेयर 20 रुपए में आपका बिकेगा। ओके, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 80,000। यू आर रिक्वायर टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान अर्निंग पर शेयर ईपीएस, आपको क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर ईपीएस। इट मींस आप बना लीजिए, सबसे पहले आंसर नंबर वन, दिस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 5.25 पेज नंबर 5.25 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5.25। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस equity, debt, all right friends, सबसे पहले अपन को दे रखा है EBIT, EBIT है अपना रुपीज एटी थाउजेंड लेस सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा, दूसरे में डेप्ट है बराबर, तो डेप्ट ऑप्शन में क्या है 50% डेप्ट है, इसका मतलब 1,00,000 रुपीज का आपका 50% ऑफ टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है 2,00,000 एंड उसके ऊपर आपका 8% आ जाएगा। ओके, सो दिस कम्स टू 8,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, सही है सुनो फिर, ये नील आपका हो गया, ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स 80 72 80, देन टैक्स 50% दे रखा है 40,000 36,000 एंड 40,000, ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स 40 36 40 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड नील 2,00,000 50% प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 8% इज 8,000। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 40,000 36,000 32,000, इसमें 100% आपका इक्विटी था, 100% इक्विटी था, इट मींस 2,00,000 के हम लोग शेयर इशू करेंगे और एक शेयर का वैल्यू कितना है 20 रुपीज, कितने शेयर हो जाएंगे आपके 10,000, इसके अंदर 1,00,000 के शेयर इशू करेंगे डिवाइडेड बाय 20 कितने हो जाएंगे 5,000, इसमें 1,00,000 के शेयर इशू करेंगे डिवाइडेड बाय 20 आपका क्या हो जाएगा 5,000, इट मींस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 5,000 एंड 5,000,
ओके आपका आ जाएगा ईपीएस 4 रुपीज पर शेयर, ईपीएस 36,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज 7.2 और 32,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज 6.4, 7.2 एंड सब आपको लिखा हुआ दे रखा है। द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, अर्निंग पर शेयर आपका हो गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर आपका हो गया, अर्निंग पर शेयर आपका हो गया, देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर टू। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने आपको कॉस्टिंग में सिखाया था, मैंने आपको क्या बोला, कॉस्टिंग सीखना बहुत जरूरी है, कॉस्टिंग आप सीख लोगे तो ही आपको यहाँ पे प्रॉपरली मजा आएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे अपन कॉस्टिंग में क्या करते थे, कॉस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको इतना पैसा तो मिनिमम कमाना ही पड़ेगा टू गिव द फाइनेंस कमिटमेंट। आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है, आपका इंटरेस्ट है, इक्विटी में आपका कुछ भी कमिटमेंट नहीं है, तो इट मीन्स इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी में आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या रहेगा, जीरो। इंटरेस्ट इट मीन्स डेप्ट में आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है, 8,000, क्योंकि 1 लाख रुपीज का आपने डेप्ट इश्यू किया है, 2 लाख का टोटल आपको चाहिए, उसमें से 50% आप डेप्ट इश्यू कर रहे हैं ना, 8,000। हाँ, प्रेफरेंस में ध्यान रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पे करना है 8,000, और 8 के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा, इसका मतलब आपका अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है, आपने टैक्स भर दिया 50%, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 50%, दिस 50% इज 8,000। तो 8 प्रेफरेंस डिविडेंड पे, ये यहीं से तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, यहीं से तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे 8,000, इसका मतलब 8 आपको टैक्स भरना पड़ेगा, 16,000 आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 16,000 कमाया है तो उसमें से 8 आपका क्या निकल जाएगा, टैक्स, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा, 8, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है आपका 8, तो 8 प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 8,000 के लिए यू हैव टू अर्न 16,000, ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना है, तो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपका बीपीए केस में क्या होगा इज 16,000, इसका मतलब बीपी इक्विटी के केस में जीरो, बिकॉज देर इज नो कमिटमेंट, आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आपको 16,000, इन केस ऑफ डेप्ट आपको 8,000, ओके। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान फॉर इन डिफरेंस पॉइंट, ये आपको काफी आएगा एग्जाम में, इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज ए पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए, बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए सेम ईपीएस, व्हाट इज इन डिफरेंस पॉइंट, इट इज ए पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए सेम ईपीएस, ओके, तो कैसे निकालेंगे अपन वो आप जरा देख लीजिए, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग EPS, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज योर प्लांस ए बी सी ईबीआईटी एक्स एक्स एक्स, इंटरेस्ट इसमें नहीं है, इसमें 8,000 है, इसमें नहीं है, अर्निंग बिफोर टैक्स एक्स एक्स माइनस 8,000 एक्स,
टैक्स 50%, 0.5x, 0.5x, 4000, 0.5x. Earning after tax 0.5x, 0.5x, 4000, 0.5x divided by number of shares 8000, 4000, 4000. ये आपका क्या आ जाएगा? सही है, सुनो. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए करके ना फ्रेंड्स. सही है सर. स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, earning before tax, earning before tax then earning after tax and then preference dividend. Earning available to equity share holder. This is 0.5x 4000 and 0.5x minus 8000. सही है सुनो. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पहले हम लोगों ने क्या ले लिया? ईबीआईटी इंटरेस्ट 8000, क्योंकि ऑप्शन बी में अपने पास डेप्ट है, ए और सी में डेप्ट नहीं है. आपको क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स आप माइनस कर दीजिए, आपको क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करिए, आपको क्या आएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको आ जाएगा. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर होना. अब अपन को करना है इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट. इट मींस दिस इज स्टेटमेंट शोइंग इन डिफरेंस and point. It means 0.5x divided by number of shares अपने कितने हैं? 10,000. ये केस में अपने number of shares कितने हैं friends? Number of shares हैं अपने divided by 10,000. ये केस में divided by 5,000 और ये केस में divided by 5,000. Because 2 lakh का था, 20 rupees का एक share है, आया था ना, 2 lakh rupees का था, 10 रुपीज का शेयर है, 10 प्रीमियम था, यहाँ पे 1 लाख के इक्विटी शेयर थे, 10 का शेयर, 10 प्रीमियम, यहाँ पे 1 लाख रुपीज, 10 का शेयर एंड 10 प्रीमियम. दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 10. 0.5x डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू, अभी स्टेटमेंट शोइंग इनडिफरेंस पॉइंट. व्हाट इज इनडिफरेंस पॉइंट? इट इज ए पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए सेम ईपीएस. आपका जो ईपीएस है वो क्या होना चाहिए? आपका जो ईपीएस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए करके ना, उसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट. मीन्स कौन सा ईबीआईटी ऐसा है जहां पे आपका, जहां पे आपका कौन सा ईबीआईटी ऐसा है जहां पे आपका, जहां पे आपका ईपीएस क्या आएगा? सेम. तो 0.5x डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल टू 0.5x माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 5,000.
5 2 जा 10 इट मींस 0.5x इक्वल टू 1x माइनस 8000 एंड 0.5x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 16000। अगर 16000 का प्रॉफिट है, अगर 16000 का प्रॉफिट है तो दोनों के अंदर प्लान ए और बी में आपका ईपीएस क्या आएगा? सेम। आपका जो ईपीएस है, वो क्या आएगा? सेम। दैट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इन डिफरेंस पॉइंट 0.5x डिवाइडेड बाय 10000 0.5x और का 0.5x 1x 0.5x 8000x इक्वल टू दिस ए एंड बी। इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई आल्सो, पूछा नहीं है उन्होंने, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वेरीफाई करके भी ये बता सकता हूँ, कि मतलब दोनों के केस में। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इनडिफरेंस। इसका मतलब ए और बी के बीच में आपका जो इनडिफरेंस पॉइंट है, इट मींस इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, प्लान ए और बी के बीच में जो इनडिफरेंस पॉइंट है वो कितना है? 16000। इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज 16000। Indifference point between A and B is 16000. Indifference point between A and B is 16000. Are you following? अगर आपको चाहिए तो I can verify the answer also. देखो कैसे verify करेंगे answer, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इधर की इधर ही आपको बता देता हूँ। Indifference point को अगर आपको verify करना है तो भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे सपोज ये आपका आएगा, ए बी सी ईबीआईटी 16000 इंटरेस्ट 8000 8000 16000 8000 4000 8000 4000, no preference dividend 8000 4000 divided by number of shares 10000, number of shares 5000, 0.8, it means आपका जो indifference point है वो आपका क्या हो जाएगा? 16000. What are they asking? Compute the EBIT range among the plans for indifference. इसका मतलब A और B के बीच में जो indifference point है वो आपका क्या हो जाएगा? बोलो, ए और बी के बीच में आपका जो इनडिफरेंस पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा? बोलो, 16000। अगर आपको चाहिए कि ए और सी के बीच में, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, between A and C, indifference point between A and C, it means A 0.5x divided by 10000 equal to 0.5x minus 8000
0.5x माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 5000, 5 2 जा 10, 5x इक्वल टू 1x माइनस 16000, 0.5x इक्वल टू 16000 एंड x इक्वल टू 32000. ए और सी के बीच में आपका क्या हो जाएगा, 32000. दिस इज व्हाट फ्रेंड्स आवर स्टेटमेंट शोइंग इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड सी. इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड सी 0.5x 10000, 0.5x 8000, 0.5x इक्वेशन को सॉल्व किया. नाउ इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई योर आंसर आल्सो. आपको चाहिए अपना आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट. कैसे, इट मींस आप जरा देख लीजिए कैसे आंसर वेरीफाई करेंगे. A and C, it means 32 less interest, nil, interest nil, total 32 tax 16, tax 16. Sixteen preference division nil, eight, 16, 10, and 5, 1.6. EPS आपका क्या होना चाहिए? ऑल द ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको दिए हैं अगर उसमें सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए और सी के बीच में. ए और सी के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा, इन डिफरेंस पॉइंट. व्हाट इज द इन डिफरेंस पॉइंट, इज ए 32000. सही है, सुना, इट इज ए इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड सी. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट इन बी एंड सी, इन डिफरेंस पॉइंट इन बी एंड सी. बी में क्या है, 0.5x, 0.5x. बी में 0.5x माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 5000, 0.5x माइनस 8000, 0.5x minus 8000 divided by. In this case, your indifference point is not possible. Indifference point is not possible between B and C. क्योंकि दोनों के अंदर ये इक्वेशन आपका सॉल्व नहीं हो सकता. फर्दर ये इक्वेशन आपका जब सॉल्व नहीं हो सकता, आपका ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, जब आपका ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इक्वेशन आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब बी और सी में इनडिफरेंस पॉइंट नहीं आ सकता है. क्या बोला, इंडिकेट If any of the plan dominate, अब कौन किसको dominate करता है? It can be seen that financial plan B dominate C. The financial break-even point of former is only 8000, but the latter is 16. It can be seen that financial plan B dominate. Financial plan B में आपका minimum commitment कितना है, 8000. लेकिन आपका C में आपका कितना है, 16000. क्या पूछ रहा है अपने से, इट कैन बी सीन दैट द फाइनेंशियल प्लान बी डोमिनेट प्लान सी, द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द
फॉर्मर इज 8000, यहाँ पे 8000 है और यहाँ पे मिनिमम कमिटमेंट कितना है 16000. इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लांट्स डोमिनेट एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज. इसका 8000 है और इसका 16. ओके तो क्या बोल रहा है, इट कैन बी सीन दैट द फाइनेंशियल प्लान बी डोमिनेट्स प्लान सी. द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फॉर्मर इज ओनली 8000 बट द लेटर इज 16000. सही है सोनो, परफेक्टली क्लियर और नॉट? देखिए आप बताइए प्रॉपरली क्लियर और नॉट. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? बोलो प्रॉपर. और मैं आपको काफी प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी. इसमें मैंने आपको क्या क्या, एक ईपीएस निकालना सिखाया, दूसरा मैंने आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पर सिखाया. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्विटी में नहीं रहेगा, डेप्ट में रहेगा और प्रेफरेंस में. लेकिन प्रेफरेंस में ध्यान रखना वो टैक्स वाला पॉइंट करके ना. अब आ जाइए आप फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 5.24. क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5.24, ये हम लोग आईसीआई मॉड्यूल आपका कर रहे हैं. क्या बोल रहा है, गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट विद कैपिटल आउटले ऑफ 60 लाख. कितना कैपिटल आउटले है, दिस इज योर कैपिटल आउटफ्लो है अपना से 60 लाख. इट हैज टू ऑल्टरनेटिव्स, अपने पास दो प्लान है, वन एंड टू. दिस इज ऑलवेज, अगर आप गिवन करके लिख लोगे ना आपको काफी इजी रहेगा. 100% इक्विटी, 100% इक्विटी ऑफ 60 लाख. 100 रुपीज का शेयर है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे. 10 रुपीज का शेयर है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे 60,000 नंबर्स. दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेटिव टू डेप्ट एंड इक्विटी, दिस इज योर डेप्ट एंड दिस इज योर इक्विटी. डेप्ट इज इक्विटी 2:1, इट मीन्स 40 लाख का डेप्ट और 20 लाख का इक्विटी. 20 लाख इक्विटी 2:1, 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपीज का एक शेयर है, इट मीन्स 2 लाख शेयर्स अपने को इश्यू करने पड़ेंगे. यहाँ पे 6 लाख आपके शेयर आ जाएंगे, 10 रुपीज का एक है, 2 लाख. और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%. टैक्स रेट है आपका 40%. टैक्स रेट आपको क्या दे रखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डेप्ट इज 18%, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%. कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव मेथड्स. आराम से एक एक पॉइंट को देख लीजिए. गिवन है अपने को आईसीआई मॉड्यूल से हम कर रहे हैं, कैपिटल आउटले कितना है 60 लाख. पहला ऑप्शन है 100% इक्विटी, 100% इक्विटी में जाएंगे, 60 लाख के शेयर इशू करेंगे, 10 रुपए के 6 लाख शेयर हम लोग इशू कर देंगे. दूसरे केस में सेकंड पार्ट है डेप्ट एंड इक्विटी, 40 लाख, 18% टैक्स, 40% 2 लाख, एंड दिस कम्स टू 2 लाख. क्या पूछ रहा है अपने से, इन डिफरेंस पॉइंट. और उसको पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको वेरीफाई करके भी बता दूंगा. व्हाट इज इन डिफरेंस पॉइंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इट इज ए पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए सेम ईपीएस. इट इज ए पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए सेम ईपीएस. क्या रहेगा, इट इज ए पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस आर हैविंग ए सेम ईपीएस. ओके इट मींस, आ जाइए आप इसमें. इट मींस statement showing EPS. Yes, no, friends. क्या आप इनको बोल रहे हैं, पहला ऑल्टरनेटिव 1, 2,
ईवीआईटी एक्स एक्स इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा फ्रेंड्स बोलो, 40 लाख का 18%, इज 720, then tax 40%, 0.4x, 720 का 40% is 288, earning available to equity share holder, because अभी अपने पास कोई भी प्रेफरेंस कैपिटल नहीं, ओनली इक्विटी एंड डेप्ट है. इसके लिए जो भी अर्निंग बचेगा 0.6x एंड 0.6x माइनस 720 लेस 288 इज 432 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 6 लैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 2 लैक्स. सही है सुनो बोलो, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पहला प्लान ए बी एक्स एक्स इंटरेस्ट 720, 40 लैक्स का 18% किया गया, टैक्स पे किया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी बिकॉज देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स है, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इन डिफरेंस point, it means 0.6x divided by 6 lakhs in 0.6x 432 divided by 2 lakhs 2 3 just 6, it means 0.6x equal to 1.8x minus 432 into 3 is 12,96,000. It means 1.2x equal to 12,96,000. Then x equal to 10,80,000. आपका जो इनडिफरेंस पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा, 10,80,000. आपका जो इनडिफरेंस पॉइंट है, जो आपका इनडिफरेंस पॉइंट है इसके अंदर, जो भी आपका इनडिफरेंस पॉइंट है वो आपका क्या आएगा, 10,80,000. अगर आपको चाहिए यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर, यू कैन वेरीफाई योर आंसर. 1080 पे आपका जो ईपीएस है, 1080 पे आपका जो ईपीएस है वो क्या आएगा, आपको सेम आएगा, आपको ईपीएस आपका क्या आएगा बोलो, सेम आएगा. आपका ईपीएस क्या आएगा, सेम, दैट इज जादू, दैट इज माई गारंटी टू यू. ओके, यू कैन वेरीफाई, पूछा नहीं है एग्जाम में, हम लोग ऐसे ही वेरीफाई कर रहे हैं. इट मीन्स ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू, 1080 इंटरेस्ट 720, earning before tax 1080 is 360, 40% tax 144, 216, 1080 40% is
432,648 divided by 6 lakhs divided by 2 lakhs. 6,48,000 divided by 6 lakhs is 1.08, and 2,16,000 divided by 2 lakhs is 1.08. In difference point, it is a point where both the options are having a same EPS. आपका जो EPS है वो क्या रहेगा, आपका follow same. It is a point where both the options are having a same EPS. Indifference point, it is a point where both the options are having a, means 10,80,000 अगर ये कमाते हैं तो दोनों ऑप्शन के अंदर आपको जो EPS है वो आपका क्या रहेगा, सेम. दोनों के अंदर आपका जो EPS है वो क्या रहेगा, सेम. और एक मैं कराता हूँ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा करके. क्वेश्चन 9 आप ले लीजिए. क्वेश्चन 9 पेज नंबर 5.28A. पहले गिवन करके आप लिख लीजिए पूरा. अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड अमाउंटिंग ₹80 lakhs. कितना फंड्स टोटल चाहिए, टोटल फंड्स है अपना 80 lakhs फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. द रेज द फंड द कंपनी हैज द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव्स. It means alternative 1 and alternative 2. To issue equity shares 100 each at par amounting to 60 lakhs and borrow balance 12%. Equity 60 lakhs, balance debt 40 lakhs. At the rate of 12%, it means आपको interest देना पड़ेगा 4,80,000. Issue equity shares 100 each. To issue equity shares 100 each at par and 12% debenture in equal proportion. It means equity debt equal proportion 1:1, 40 lakhs. What is the interest rate? 12%. It means 4,80,000. Now one share 100 rupees divided by 100, 60,000 number of shares, and divided by 100, 40,000. सही है, सुनो. कितना फंड्स अपने को चाहिए, 80 lakhs. 80 lakhs में ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, इक्विटी 60 lakhs, बैलेंस डेप्ट 40 lakhs, 100 इज 60,000, 12% इंटरेस्ट आपका, इक्विटी 40 lakhs, 100, 40,000 शेयर्स, बैलेंस डेप्ट एट द रेट ऑफ 12%. आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट अवेलेबल टू मेथड्स फाइनेंसिंग स्टेट ऑप्शन विद beneficial in different situation. Say yes or no. So identify the point of indifference, the available two modes of financing, and state which option will be beneficial in different situation. Indifference point up. Indifference point means जहाँ पे आपका EPS आपका क्या रहेगा, is the same. तो पहले आप calculation वाला part देख लीजिए. It means this is your, जैसे
statement showing EPS alternative 1 to EBIT x interest. Your interest is 480,000 and 20 lakhs na? Balance will be 20 lakhs, 2,40,000. Okay, so 2,40,480, 2,40,000 and 480. Earning before tax x minus 240 and x minus 480. The tax, what is the tax rate, is 30%, 0.3x. 2,40,000 ka 30% is 72,000, 0.3x. 480 ka 30% is earning after tax 0.7x. 240 का 70% is 168.70. 480 less 144 is 336 divided by number of equity shares will be 60,000 and 40,000. 60,000 and 40,000. And final answer in difference and point. It means 0.7x. 168 divided by 60,000 equal to 0.7x minus 168 60.7x 336 40 1.5 into 1.5 1.05x minus 1.05 minus 0.7 0.35x equal to 235 All right, friends, it means 0.7x less 168 equal to 1.5 into 0.7 is 1.05x minus 336 into 1.5 is
5,04,000. So 0.35x equal to 5,04,000, and then x equal to 14,40,000. So no. Means 0.35x equal to minus 504,168,336, and then x equal to is 960. And the main benefit is what? You can verify your answer also, na? जो भी आप आंसर आपने निकाला है वो आंसर करेक्ट है या नहीं है. आपने जो भी आंसर निकाला है वो आंसर आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बराबर, वो भी आप चेक कर सकते हो, राइट. इट मींस वेरिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में नहीं पूछेगा. इट मींस 960 इंटरेस्ट 240 एंड 480 960 माइनस 240 इज 720. 960 minus 480 is 480 tax. 720 ka 30% 216. 480 ka 30% 144. 720 less 216 is 504. 480 less 144 is 336 divided by number of shares 240 and 480. 240 and 480. So your EPS will be, it means 504 divided by 240, 2.10, and 336. Oh, it's wrong. 960 minus interest 240 minus interest 480. 960 minus 240, 720. 960 minus 480 is 480. 720 ka 30% 216, 504, and 480 ka 30% 144, 336. The number of shares will be 40,000. Sorry. Number of shares is 40,000. It means 336 divided by 40,000. Number of shares is 60,000. Number of shares wrong le liya apne na. तो ये इसके लिए बोलो ना, यू कैन वेरीफाई योर आंसर. 60,000 एंड 40,000, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर ना. 60 एंड 40 टैली होना ही चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर सही है कि नहीं. दो मिनट लगेंगे आपको वेरीफाई करने. 8.4 एंड 336 डिवाइडेड बाई, और मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ. 8.4 मतलब एग्जाम में आपको ये वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किया तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा एकदम
प्रॉपर आंसर आ रहा है। ओके, तो इतना आप करिए, इतना प्रैक्टिस करिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।